Long history that this pageant has, and that is how important it is. I think it gives you that kind of experience and exposure, so it's very important, because especially because it has so much history attached to it. It's 56th year, you know, so yeah, it's a long time. I'm very excited ki main yahan pe judge panel baitha hu aur mujhe judge karne ke liye kaha gaya, but मेरे ख्याल से डांस को जज करना आसान है, बट ये थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए. यहाँ तक अगर ये लड़कियाँ आई हैं, दे ऑब्वियसली आर ऑल वेरी गुड, दे लुक ग्रेट एंड दे यू नो लुक फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट आई थिंक बियॉन्ड दैट इज कॉन्फिडेंस. सबसे ज़्यादा जो एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है आई थिंक इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. मुझे लगता है एक बहुत ही प्यारी सी ऑनेस्ट स्माइल होनी चाहिए, आई थिंक उससे सब कुछ हो जाता है. उसके आगे मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है. मैं जज रह चुकी हूँ पिछले साल और कंटेस्टेंट भी रह चुकी हूँ. थैंकफुली अब की बार मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में आई हूँ. आई विल बी को होस्टिंग अ सेगमेंट, सो आई थिंक मैं डेफिनेटली गर्ल्स को स्पॉट में पुट नहीं करूँगी. इंडिया का तो हमारा ट्रेडिशन रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स गए हैं इंटरनेशनल स्तर पे और बहुत सारे एक्लेड्स जीत के आए हैं हमारे देश के. एंड आई रियली फील कि आज भी हम ऐसी ही तीन लड़कियों को यू नो चूज़ करेंगे जो डेफिनेटली अपने पर्सनल लाइफ में तो ज़रूर, बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर द कंट्री दिल मेक ऑल ऑफ अस रियली रियली प्राउड. मैं इन लड़कियों को पहले ऑलरेडी मिल चुकी हूँ, 30 लड़कियों को मिल चुकी हूँ, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है. मैं खुद ईस्ट और वेस्ट जोन की मेंटर हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मैंने सिलेक्ट किया है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी विच गर्ल विंस. Obviously, I have a few biases, and I'm hoping, and my fingers are crossed, that somebody from my zone, that is the east or the west zone, wins tonight. I think मेरे लिए ये एक life का एक full circle बन गया है. From being a Miss India winner, from winning an international pageant, to mentoring these amazing girls, state winners from different states. उनके साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई interview के दौरान, even before they were selected for the state level contests, and they went on to win those. What really made us choose these girls, these particular girls, was their individuality. और मैंने नोट देखा है कि पिछले दो तीन महीनों में जिस तरह से वो अपनी सेल्फ अश्योर्डनेस को, अपनी पर्सनैलिटी को और भी संवार चुकी हैं, वो आज रात को हमें देखने को मिलेगा.